नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। संदिग्ध परिस्थितियों में छत की कुंडी से नवविवाहिता की लटकती मिली शव। जनपद सिद्धार्थनगर में सदर थाना क्षेत्र के मुंडिला गांव में एक नवविवाहिता का लटका शव बरामद हुआ है। लटकता शव बरामद से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सदर थाना क्षेत्र पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं मृतका के मायके वालों को ग्रामीणों ने जानकारी दी। मृतका के पिता ने घर वालों को सूचना न देने की बात कही। घर पुलिस को भी सूचना मृतका के मायके वालों ने दिया। वहीं मृतका के पिता व माता भाइयों ने मचाया कोहराम। मामला सदर थाना क्षेत्र के गांव मुंडिला का बताया जा रहा है। अभी लगभग 8 महीने पहले मृतका की शादी हुई थी। विवाहिता का मायका सदर थाना क्षेत्र के कोडला ग्राम सभा का बताया जा रहा है। वहीं मृतका के पिता ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि ना तो दामाद ने सूचना दिया ना ही ससुराल वालों ने। फिर मेरी बेटी ऐसी नहीं थी जो आत्महत्या करे। वहीं मृतका के ससुर ने बताया कि सुबह 8 बजे हम ड्यूटी चले गए थे, फोन द्वारा सूचना मिली कि घर पर घटना हो गई है। वहीं मामले में सदर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है और कार्रवाई जारी है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। क्या हुआ था? 25 दिसंबर को लड़की की शादी हुआ था। हाँ, उसको 4 लोग टॉर्चर कर करके हाँ आज लास्ट आज मार डाले, उनको फांसी लगा दी। बस इतने है, इतनी जानकारी है अपना, उसके आगे ना। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग मारने वाले? हाँ, जिनका नाम ने बतलाया मारने वाले। हाँ, मारने वाले मेरा दामाद, उसके भाई, उसकी औरत। आपकी बेटी का क्या नाम है? तरन्नुम बाला। कितने साल पहले शादी की? अभी 25 दिसंबर को 2019 में। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, हमको ये 11 बजे मिला खाली, वो फांसी लगा के मर गई। वो भी गांव वाले से? हाँ, गांव वाले से। अपना ये लोग कुछ नहीं बताया। आपको आशंका क्या है? आशंका हमको है कि इन लोग मारे हैं उसको। क्या नाम है चाचा? कौन सा गांव है ये? थाना कौन सा है? क्या मामला है? मामला ये है कि जो है, हम सुबह में उठ के हम कार्यालय चले गए 8 बजे। 8 बजे हम कार्यालय पहुँचे, तो 10:30 बजे हमारे पास फोन आया कि आप घर चले। तो हम घर आए तो देखे कि जो है ये हादसा हो गया। इस हादसे में तो हमको कुछ ऐसा मालूम नहीं हुआ कि कल हादसी किस हमारे। मायके वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, इसके बारे में क्या कहना? अगर वो किसी से नहीं तो हमसे कहती थी तो हम उसको 1,500 रुपया कहीं से भी मांग कर लाते। फिर हुआ कैसे? ये तो हमें